डिसेम्बर सुधी ज रेल बस ने मेट्रो ट्रेन में चाली शकशे 500 की जूनी नोट सरकार जाहिर करो नवो नियम। नोटबंदी ने एक महीनो पूर्ण हजू पण हालाकी यथावत तो बैंकों ने एटीएम में कैश नो ककड़ा। महेश शाह ना सीए तहमूल शेठना साथे जोड़ायेला सीए ने त्या आईटी ना दरोड़ा महेश शाह ना ब्लैक मनी मामले सर्च करायानी आशंका। चोटीला डूंगर ने बॉम्ब थी उड़ावी देवानी मिली धमकी मंदिर ना महंत ने मिल्यो पत्र पत्र में आतंकी संगठन आईएसआईएस नो उल्लेख। पांच ना सभ्यो अनामत अपाय होवाना आप्या दस्तावेज सरकार करशे अभ्यास आगामी समय में मळशे बैठक। राजकोट में सीबीएसई मान्यता न होवा छता विद्यार्थी और वालीओ पास तगड़ी फी वसूलता चार शाला संचालकों की धरपकड़ सीबीएसई ना नियमों मुकाया नेब। नमस्कार हूं निशित राजगुरु। तो हाल में ज केन्द्रीय नाणामंत्री अरुण जेटली पत्रकार परिषद संबोधी थी ने अनेक महत्वपूर्ण बात आ परिषद में जणावी। खास जे सरकार नो कैशलेस ट्रांजेक्शन पर डिजिटल मोड में पेमेंट पर जे भार छे तेने लईने नाणामंत्री अरुण जेटली वखाण कर्या। पेट्रोल और डीजल माटे छूटनी जाहरात करी तो अनेक एवा क्षेत्र रह्या ज्यां छूट आपवानी जाहरात करी। नोटबंदी मुद्दे केन्द्रीय नाणामंत्री अरुण जेटली निवेदन आप्युं छे। साथोसाथ डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट अंगे नाणामंत्रीए अनेक एवी बातों करी जेनाथी विविध क्षेत्र में डिजिटाइजेशन वधे अने तेनी तरफ पगला मंडाय ते माटेना माहिती आपी। एवरी विलेज विच हेज अ पॉप्युलेशन अप टू 10,000 एंड 1 लाख विलेजेस 1 लाख गांव इस पर्पस के लिए सिलेक्ट होंगे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड में से इसको सपोर्ट किया जाएगा और विशेष रूप से जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं मिल्क सोसाइटीज हैं जहां बहुत ज्यादा लोगों की डीलिंग होती है इस तरह के पॉइंट ऑफ सेल इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चुने जाएंगे। मतलब अगर एवरेज साइज उस गांव का 7,500 भी हम लोग मान लें तो इससे लगभग 75 करोड़ लोग उन तक इन पॉस मशीन्स की एक्सेसिबिलिटी पहुंच जाएगी। तीसरा निर्णय सरकार ने लिया है कि नाबार्ड के माध्यम से जो रूरल रीजनल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 4,32,00,000 किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं उनको रुपे किसान कार्ड देगी जिनके माध्यम से वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स माइक्रो एटीएम्स और एटीएम्स तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे जो उनकी स्वाभाविक क्रेडिट लिमिट्स हैं वो लिमिट्स इस पे लागू होंगी। चौथा निर्णय सरकार ने किया है कि जहां जहां सबर्बन रेलवे नेटवर्क है उन सबर्बन रेलवे नेटवर्क्स में जो लोग मंथली और सीजनल टिकट लेंगे डिजिटल मोड से पेमेंट करके उनको उन टिकट्स पे रेलवे 0.5% का डिस्काउंट देगी। तो अगर आप डिजिटल मोड से मंथली और सीजनल टिकट लेते हैं तो आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा वो सस्ता रहेगी टिकट। और ये पहली जनवरी 2017 से लागू होगा और मुंबई सबर्बन रेलवे के साथ इसकी पहली शुरुआत होगी। इस देश में
जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं, ये अगला इंपॉर्टेंट निर्णय है, उनमें से 58% आज भी ऑनलाइन टिकट रेलवे की बुकिंग करते हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जो कैश में पेमेंट करेगा उसको नहीं मिलेगा, जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा। I'll repeat this in English, that for all railway passengers who travel by Indian Railways, 58% are already paying for their tickets online. Those who buy tickets online will get a free accident claim insurance of 10 lakh rupees only if they pay by the digital mode. अगला निर्णय भी रेलवेज का है। रेलवेज केटरिंग, अकोमोडेशन, रिटायरिंग रूम, ये सब पेमेंट बेस्ड फैसिलिटीज हैं जो रेलवेज देता है। जो भी इन फैसिलिटीज के लिए डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको रेलवेज 5% का डिस्काउंट देगा। सो ऑल अदर फैसिलिटीज लाइक अकोमोडेशन, केटरिंग एंड रिटायरिंग रूम विच रेलवेज चार्जेस फॉर, इफ पेमेंट इज मेड बाय द डिजिटल मोड द फैसिलिटी विल बी 5% चीपर। अगला निर्णय बहुत महत्व का है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और लाइफ इंश्योरेंस में भी हैं। जो डायरेक्टली इन इंश्योरेंस कंपनीज जो सरकारी क्षेत्र की हैं, उनके कस्टमर पोर्टल से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेंगे बाय ऑनलाइन पेमेंट, कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो जनरल इंश्योरेंस में हैं और लाइफ इंश्योरेंस में हैं, जो लोग कस्टमर पोर्टल है उन कंपनीज का, दैट इज द जीआईसी कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो डायरेक्टली कस्टमर पोर्टल से पॉलिसी खरीदते हैं और उसका प्रीमियम देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर डिजिटल मोड से, तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के केस में और 8% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस के केस में। सो अगर आप, इफ यू बाय योर पॉलिसी एंड फ्रॉम द कस्टमर पोर्टल एंड पे बाय द डिजिटल मोड directly and not by cash, the policy will be, the premium will be 10% less in the case of general insurance and 8% in the case of life insurance. नई पॉलिसी नई पॉलिसी, न्यू पॉलिसी सोल्ड। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या सेंट्रल पीएसयूज हैं, वो इंश्योर करेंगे कि उनके साथ जितने संबंध लोगों के हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन फीस और एमडीआर चार्जेस जो डिजिटल पेमेंट में कई बार इन्वॉल्व रहते हैं, उसका बोझ किसी कस्टमर के ऊपर ना आए। तो इफ यू आर डीलिंग विद गवर्नमेंट और पीएसयूज,
and you make payments on by the digital mode, the transaction fee or the MDR charges, the governments will ensure that these are not leviable. Central PSUs. I've said central government and central PSUs. PSU banks ne kai establishments ko, lakhon mein establishments ko, POS terminals, micro ATMs, mobile POS terminals, ye sare provide karte hain. Aur wo digital payment ke liye ek instrument ban jate hain. PSU banks ये इंश्योर करेंगे कि इनमें से कोई भी ये सुविधा डिजिटल पेमेंट की जो प्रोवाइड करेंगे, POS टर्मिनल्स, माइक्रो ATMs, मोबाइल POS, उनका जो रेंटल है, किराया है, वो 100 रुपए महीने से अधिक ना हो. तो द कैप ऑफ 100 रुपीज विल बी देयर. डिजिटल मोड से उन पे सर्विस टैक्स नहीं होगा. ये ऑलरेडी पार्लियामेंट हैज बीन इन्फॉर्म टुडे ऑफ दिस. और जो अंतिम निर्णय इस रिगार्ड में है, कि जो टोल प्लाजास पे, नेशनल हाईवेज में फास्टैग या RFID कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी डिजिटल पेमेंट करेंगे, द यूजर ऑफ दैट, उस पर भी उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा. जो नेशनल हाईवेज पे जितने टोल प्लाजास हैं, उन टोल प्लाजास के यूज करने के लिए, टोल के लिए RFID कार्ड या फास्टैग्स होंगे जिनके पास, और उसकी पेमेंट वो डिजिटल मोड से करेंगे. अन्य समाचार ऊपर नजर करीशू, परंतु हाल रोकाइए एक विराम माटे. वेलकम बैक. नोटबंदी नो जे निर्णय बाद सरकारे जे राहत आपी हती, तेनी समय मर्यादा में हवे घटाड़ो थई रह्यो छे. जेनी वात करिए तो 10 डिसेम्बर बाद रूपया 500 नी जूनी नोट स्वीकारवामां नहीं आवे. रेलवे, बस अने मेट्रो में रूपया 500 नी जूनी नोट हवे 10 डिसेम्बर थी नहीं स्वीकारवामां आवे. अत्यार सुधी ए 500 नी नोट आ बधी जग्या पर स्वीकारवामां आवती हती, परंतु हवे सरकारे जे नवा नियम लाव्या छे, सरकारे जे नवा नॉर्म्स मुक्या छे, ते प्रमाणे 10 डिसेम्बर थी हवे 500 नी जूनी नोट नहीं चाले. कैशलेस ट्रांजेक्शन पर सरकारे प्रथम पगलू भर्यू छे, जेमां रूपया 2000 नी लेवड़ देवड़ पर कोई सर्विस टैक्स लगावामां नहीं आवे, तेमज डेबिट अने क्रेडिट कार्ड पर सर्विस टैक्स माफ रहेशे. प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ देश की जनता ने कैशलेस ट्रांजेक्शन तरफ वळवा जणाव्युं, त्यारे 2000 रूपया की लेवड़ देवड़ पर सर्विस टैक्स नहीं लेवाता, जनता ने लाभ मिलशे. तो हवे आप जो 2000 रूपया की खरीदी करो छो, अथवा तो कोई नाणा वपराश करो छो अने तेनु पेमेंट कार्ड थी करो छो, तो 2000 सुधीना पेमेंट में आपणे सर्विस टैक्स नहीं भरवो पड़े. नोटबंदी ने 30 दिवस पूर्ण थई गया छे, त्यारे नोटबंदी ने लईने शंकरसिंह वाघेलानी मांग करी छे के शनिवार अने रविवारे पण बैंको खुली राखवामां आवे अने बैंकमां नवा एकाउंट खोलवामां आवे. सरकार ने विनंती करूं छू के जारे पगार नो समय थई रह्यो छे 1-10 तारीख सुधी में लगभग 63% जेटला स्टाफ नो या कर्मचारी नो पगार थयो छे, 70% बाकी छे एवा ठेकाने शनि रवि में बैंको चालू राखे. नवा खाता खोलवा होय तो लोकोने प्राथमिकता आपे. सरकार कहे छे नवू खातू खोलाओ, नवू खातू बैंको खोलती नथी. सरकार पोताना रूपया उपाड़वा जईए बैंको पासे तो पण बैंक पूरो पगार के पूरो चेक स्वीकारती नथी. एवा ठेकाने लाबी लाइनो ओछी थाय,
એના માટે શનિ રવિના બે દિવસો બેંકો ચાલુ રાખે ને હમણાં જ્યાં સુધી એ લાઈનો ઓછી ન થાય ત્યાં સુધી કર્મચારીઓને વધારે પગાર આપે, ઓવરટાઈમ આપે, એમને દુઃખી ન કરે, પણ પ્રજા જે દુઃખી થાય છે એને સવલત કરવા માટે બેંકોની સુવિધા ચાલુ રહેવી જોઈએ. નોટબંધીને એક મહિનો પૂર્ણ થયો છે. બેંકો અને એટીએમ બહાર આજે પણ લોકોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારે 50 દિવસનો સમય આપ્યો હોવા છતાં લોકોની પરેશાની આજે પણ ચરમસીમાએ છે. કાળા નાણાંને જળમૂળથી ઉખાડી નાખવા માટે કેન્દ્રની મોદી સરકારે જૂની રૂપિયા 500 અને 1000ની નોટો પર પ્રતિબંધ લાગુ કર્યો હતો, જેની સીધી અસર આમ આદમી પર પડી છે. આપ આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત તેમજ રાજકોટમાં બેંકો અને એટીએમ બહાર લોકોની મસ્ત મોટી લાઈનો લાગી છે. કેટલીક જગ્યા પર એટીએમ બંધ હોવાથી લોકો ખાલી હાથે પરત ફરે છે, તો કેટલીક બેંકો અને એટીએમમાં મર્યાદિત રોકડ રકમ મળતા લોકો ભારે મૂંઝવણમાં મુકાયા છે અને તેઓ ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પગાર તારીખો હોવાથી બેંકોમાં હાલ વધુ પડતી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. જો કે એટીએમમાં કેશ ખતમ થઈ જતા અને બેંકોમાં મર્યાદિત રોકડ જ મળતા લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે અને વહેલી તકે આ સમસ્યાનું નિરાકરણ આવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે. નોટબંધીને એક મહિનાનો સમય પૂર્ણ થયો છે. બોટાદ જિલ્લાની તમામ બેંકો પર રૂપિયા જમા કરવા તેમજ ઉપાડવા માટે લોકોની વહેલી સવારથી લાઈનો લાગી છે. શહેર જિલ્લાના મોટા ભાગના એટીએમમાં પૈસા ન હોવાથી બંધ છે. બેંકો ફક્ત 4000 રૂપિયા જ આપતા હોવાના કારણે સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના લોકો તેમજ ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. પૈસા ઉપરથી આવે એટલે આપી, અમારે ખેડૂતો તો નકર ઉપરથી એમ આપ્યું છે, ટીવીમાં એમ આપે છે કે 100-1000 જેવા આપશું, પણ એવું તો અમને કઈ મળતું નથી. અત્યારે કાલે આવ્યો હતો ને તે 4000 આપ્યા હતા, હવે કે પાછા ફરી વાર લાઈનમાં આવજો, થોડુંક આપણે રાહત કહેજો તો સારું કહેવાય. અમારે અત્યારે શું છે કે ખેડૂતને કોઈ દાળિયા સૂકવા કોઈ કાંઈ છે મજૂરી આપવાની હોય એટલે પૈસાની ફૂલ જરૂર છે. લાઈનમાં પૈસા આટું થાય, 4000 રૂપિયા આપે છે, રોજ લાઈનમાં આવવું પડે છે. ઓર માલ ને વાળિયા 4000 રૂપિયા પીવે છે, એ પણ થાય છે. 4 વાગ્યા 12 વાગ્યા છૂટા થઈ જાય છે. 4000 માં રોજ ધક્કા ખાવાના અમારે. નિર્ણયના એક મહિના જેટલો સમયગાળો વીતી ચુક્યો છે. રૂપિયા મેળવવા માટે લોકોની હાલાકી હજુ પણ યથાવત છે. જો આ ભુજની બેંકમાં અપૂરતા નાણાં હોવાને પગલે મોટા ભાગના એટીએમ બંધ હાલતમાં જોવા મળે છે. એક અંદાજ મુજબ ભુજમાં આવેલ એટીએમ પૈકી 80% એટીએમ બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે. બીજી તરફ જે એટીએમમાં કેશ છે ત્યાં બહાર લાંબી કતાર જોવા મળી રહી છે. વડોદરામાં અનેક એટીએમમાં કેશ નહીં હોવાના કારણે લોકો નિરાશ થઈને પરત ફરે છે. કેશ માટે શહેરના લોકો લાંબી લાઈનમાં ઉભા રહે છે. એક મહિનો છતાં લોકોની મુશ્કેલીમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી. સમાચારોમાં રોકાઈ એક વિરામ માટે.